एक इम्पोर्टेंट नोटिस जो है एम्प्लॉयज की तरफ सामने आ रहा है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात करें तो जितने भी गेजेटेड और नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज हैं उन्हें जो है फाइल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है भरने को कहा गया है और 2022 का, और जो कि बिफोर और January 31st जो है इसकी आखिरी डेट 2023 बताई गई है। अकॉर्डिंग टू दी सर्कुलर ये भी बताया गया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं अदर देन AIS, CCS और JKS ऑफिसर्स की बात करें हैव बीन डायरेक्टेड टू फाइल देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी रिटर्न्स एंड सबमिट टू देयर कंसर्न हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट बाय और बिफोर दी January 31st। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की बात करें उन्हें भी कहा गया है एंश्योर करें स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन अंडर द इंटीमेशन ऑफ द GAD लद्दाख और सबमिट अ ब्रीफ स्टेटस ऑफ द सबमिशन ऑफ द APR बाय एवरी एम्प्लॉय टू द CVO बाय और बिफोर द 5th February विद अ सेपरेट लिस्ट ऑफ डिफॉल्टिंग द एम्प्लॉयज। तो ये तमाम जानकारी जो है फिलहाल मुलाजमों के लिए साफ तौर पर सामने आ रही है और खासतौर पर यूटी लद्दाख की बात करें, यूटी लद्दाख के लिए ये सर्कुलर जो है जारी किया गया है जिसमें तमाम एम्प्लॉयज की बात करें गेस्टेड और नॉन गेस्टेड को साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो फाइल करनी है बाय 31st January तक जो है की गई, और इनफैक्ट जो नहीं करेगा बाद में वो डिफॉल्टर्स एम्प्लॉयज हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी जाएगी। और जितने भी एम्प्लॉयज की बात करें अदर देन AIS, CCS और JKS ऑफिसर्स की बात करें तो उन्हें डायरेक्टली कहा गया है कि वो रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी रिटर्न्स जो हैं सबमिट करेंगे अपने कंसर्न हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को बाय और बिफोर दी 31st January 2023। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तमाम एम्प्लॉयज के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप जल्द से कर लें क्योंकि इसका आखिरी डेट 31st January तक जो है वो साफ तौर पर बताई गई। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही दीजिए इजाजत।